दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है, और जब सर्दी पड़ती है आप एक स्वेटर पहनो, दो स्वेटर पहनो, ठंड नहीं बचती, हवा इतनी तेज चलती है, तो फिर क्या आया जाता है, शॉल। और खासकर मेरे लिए, जब मुझे बहुत ठंड लग रही होती है तो मैं शॉल के बिना रह ही नहीं सकती। तो आज हम बात करेंगे कि हम कितने तरीकों से शॉल को ड्रेप कर सकते हैं जिससे कि शॉल भी इंटैक्ट रहे और हमारे हाथ भी फ्री रहे काम करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये शॉल है, फर्स्ट इसको हमने ऐसे ड्रेप किया, ये दोनों पार्ट्स बराबर किए। फिर हम लेंगे एक बैंगल और इस पार्ट को इस बैंगल में डालेंगे ऐसे, और फिर दूसरे पार्ट को भी इस बैंगल में डालेंगे ऐसे, और इसको आप प्रॉपरली ढंग से इसको इधर पे टक इन कर लीजिए। ये हो गया आपका शॉल यहाँ पे अच्छे से टक्ड इन, और ये आपने अच्छे से ड्रेप किया और आपके हाथ भी फ्री और आपका शॉल भी इंटैक्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टाइल। अब हम चलेंगे अपने दूसरे स्टाइल पे। सेम शॉल, इसको हम फोल्ड करेंगे इन टू पार्ट्स। इसको आपने ऐसे फोल्ड कर लिया लाइक दिस, और फिर हम इसको नापेंगे अपने शोल्डर से कि ये हमारे यहाँ तक आता है। तो जहां तक ये पॉइंट आया, इस पर हम लगाएंगे एक सेफ्टी पिन या एक ब्रॉच। अगर आप ब्रॉच लगाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये विजिबल होता है, तो अगर दिखेगा तो बुरा नहीं लगेगा। ये ऐसे हो गया। अब हम इसको लेंगे इस पार्ट से और हम डालेंगे अपने ऊपर लाइक दिस। तो ये आपकी एक तरह से ऑफ शोल्डर पोंछू टाइप बन गया, और ये ऐसे लगेगा, आपके हाथ भी फ्री और आपकी बॉडी भी वॉर्म। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। सेम शॉल, उसको वापस से हम ऐसे फोल्ड करेंगे हाफ, ये मिड पॉइंट हमें मिल गया। अब इन दो एजेस को हम इस मिड पॉइंट पर यहाँ पे सेफ्टी पिन से इसको सेव पिन कर देंगे, और अगर ब्रोच लगाना हो तो आप ब्रोच लगा सकते हो, सेफ्टी पिन तो सेफ्टी पिन। ये ऐसे हो गया और ये हमारा बन गया जैकेट की तरह। अब हम इसे पहनेंगे लाइक दिस, ये यहाँ और दूसरा पार्ट यहाँ। आई होप आपको ठीक दिख रहा होगा, क्योंकि मैं ठीक से नहीं देख पा रही। तो ये हमने पहन लिया शॉल जैकेट की तरह। सो हियर यू आर रेडी टू गो। और अगर आपको ऐसे फ्लेयरी और ये पसंद नहीं है तो इसमें दूसरा आप कर सकते हो, एक बेल्ट के साथ इसको हम स्टार्ट टाई कर सकते हैं एक बेल्ट के साथ। ये आपकी वेस्ट को भी डिफाइन करेगा, और शॉल जो इतना आपको बल्की लग रहा है वो भी नहीं लगेगा। आपकी वेस्ट भी डिफाइन, शॉल भी इंटैक्ट और आप भी वॉर्म। दिस इज द थर्ड स्टाइल। अब हम ये शॉल लेंगे फोर्थ स्टाइल के लिए। वापस से इसको हाफ में फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड किया। अब ये होगा हमारे फोर पार्ट्स। यहाँ पे हम इसको ब्रोच से पिन करेंगे लाइक दिस। ये ऐसा हो गया। अब हम इसको पहनेंगे लाइक दिस, तो ये आपका इस तरह से इसका लुक आएगा। शायद अच्छा लग रहा है, मैं तो नहीं देख पा रही हूं, आप लोग बताइए। दिस इज आवर फोर्थ स्टाइल। अब हम चलेंगे अपने लास्ट की तरफ। अब जो लास्ट है वो एक टिप भी है। अगर आपके पास कोई बहुत पुराना शॉल पड़ा हो जिसको पहन के आप बोर हो गए हो, तो उससे आप बना सकते हैं ऐसी जैकेट। ये मेरा एक बहुत पुराना शॉल था जिसको मैंने ऐसे जैकेट की तरह स्टिच करवा लिया है, तो अब ये मेरे वॉर्डरूम में एक नई ड्रेस ऐड हो गई है। एंड दिस विल गिव यू अ न्यू लुक एंड योर शॉल अ न्यू लाइफ। सो हाउ इज इट लुकिंग? दिस इज योर लास्ट टिप फॉर दिस सीजन। होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और अपने फ्रेंड से भी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।